नमस्कार, इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगरटिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने अपने एक पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स मतलब, प्रीफिक्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक वर्ड लिया इंपॉर्टेंट, तो इसमें आई एम जो है वो प्रीफिक्स है, ए एन टी हमारा सफिक्स है, और पोर्ट जो है वो एक रूट है, जड़। ठीक, तो इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जो V01 से लेकर V01 इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगरटिप्स। तो आप ये V1 से लेकर V56 तक मेरी वीडियोस हैं, इसमें अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैंने डिस्कस किया है, और बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में वर्ड फॉर्मेशन समझाने की कोशिश की है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हमें प्रीफिक्स के बारे में पता है, सफिक्स के बारे में पता है। तो प्रीफिक्स के आगे कितने हैं? देर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस। 9 तरह के प्रीफिक्स है, जिसमें से 3 मैंने यहां लिखे हैं। ऊपर लिखा है मैंने नेगेटिव प्रीफिक्सेस, नकारात्मक प्रीफिक्सेस, और दूसरा हमने मैंने लिखे हैं रिवर्सेटिव और डेप्रिवेटिव प्रीफिक्सेस। ठीक, इनके बारे में आपको जानकारी मेरी पिछले वीडियोस में मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस में और टाइप्स ऑफ सफिक्सेस में। तो नेगेटिव प्रीफिक्स में मैंने यहां डिस को अंडरलाइन किया है। डिस का मतलब नॉट। अगर हम डिक्शनरी खोलेंगे तो डिस के हमारे पास 3 मीनिंग है, बल्कि 4 है, पर 3 आप इसको मान के चलिए। 3 में हमारे पास डिस का एक मीनिंग नॉट है, एक है रिवर्सल ऑफ एन एक्शन, तो इसमें भी हम अवे मीनिंग ले सकते हैं, और अवे फ्रॉम। रिवर्सेटिव का मतलब क्या है? जैसे आप कार को आगे ले जाते हैं तो फिर हम अगर कार को रिवर्स करते हैं। वर्स का मतलब टर्न, री का मतलब बैक, पीछे की तरफ मोड़ना या पीछे की तरफ चलना, उसको कहते हैं रिवर्सेटिव। तो रिवर्सेटिव प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं? जो कोई चीज आगे चले गई है उसको पीछे करना, यानी कि रिवर्स करना, उस प्रोसेस को उल्टा देना। जैसे किसी को क्वालिफाई किया, किसी को, किसी आदमी ने क्वालिफाई किया, लेकिन बाद में उसका टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि उसने ड्रग्स लेकर क्वालिफाई किया था, तो हम उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। तो यहां डिस का मतलब अवे। तो ये जो प्रोसेस है उसको रिवर्स कर दिया। दूसरा वर्ड है हमारे पास डिसएंगेज। किसी चीज को हमने एंगेज किया, अपने किसी फंक्शन के लिए किसी को एंगेज किया, या किसी और कार्य के लिए हमने किसी को किसी की सुविधाएं लेने की के लिए उसको अपने पास बताया या बुलाया, और अगर हम उसको डिसएंगेज करते हैं तो यहां भी डिस का मतलब अवे रहेगा, यानी कि उसको डिसएंगेज करना, पलट देना अपने फैसले को पीछे की तरफ, रिवर्स करना। डिसक्लोज, कोई भी चीज बंद है, ठीक, तो अगर हम उसको ओपन करते हैं तो वो हो जाएगा डिसक्लोज, मतलब ओपन। तो यहां पर भी हमने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। दूसरा मैंने डिस के साथ लिखा है डेप्रिवेटिव प्रीफिक्सेस, डिप्राइव,
डिप्राइव का मतलब होता है किसी आदमी से कोई चीज ले लेना, किसी को वंचित करना है, किसी को किसी चीज से वंचित करना। आप जैसे कनेक्ट है, कोई चीज जुड़ी हुई है और अगर हम उसको अलग कर देते हैं, डिसकनेक्ट कर देते हैं, तो हम उसको डिप्राइव करते हैं, वंचित करते हैं कनेक्शन को है? अभी जो कनेक्शन जुड़ा हुआ था हमने उसको अलग कर दिया। सपोज ये दो तारे जुड़ी हुई हैं और इधर इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, तो हमने डिसकनेक्ट कर दिया, तो इनको डिप्राइव कर दिया, इस पोर्शन को हमने कनेक्शन से डिप्राइव कर दिया, यानी कि वंचित कर दिया है ना, हटा लिया कनेक्शन। तो यहां पे डिस का मतलब अवे और अवे फ्रॉम, कोई चीज कंटिन्यू है, लगातार चल रही है। कंटिन्यू का मतलब लगातार चलना और डिसकंटिन्यू का मतलब रुक जाना, बंद कर देना। तो हम यहां पर भी उसको कंटिन्यूटी को, किसी चीज की कंटिन्यूटी को अलग रोक देते हैं, अलग कर देते हैं। डिस का एक मीनिंग और है, वो है कंप्लीटली। पूरी तरह से, जैसे हम कहते हैं डिसाइपल, डिस का मतलब पूरी तरह से, सिप का मतलब टू टेक। एल ई हमारा एक नाउन सफिक्स है, फॉर्मेटिव सफिक्स इसको कहते हैं हम। तो अगर आप मेरे इंग्लिश के ऊपर सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको धीरे धीरे एक एक वर्ड कैसे बनाए उसकी समझदारी आ जाएगी। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। कोई भी अगर हम सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो हमें पहले डिसाइपल बनना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है। हम किसी से, अपने गुरु से, गुरु जैसा कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलना है तो चलना है, रुकना है तो रुकना है। तो कैसे हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए डिसाइपल बनना बहुत जरूरी है। और जब हम कहते हैं स्कूल में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो हम कभी नहीं पूछते कि हम क्यों बोले, नहीं, वो सीखना है, वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिससे गुजरकर आपको आगे जाना है। तो डिसाइपल, और डिस का एक मीनिंग है नॉट, नेगेटिव प्रीफिक्स में नॉट है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिस का मतलब, डिस एक हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स भी है, रिवर्सेटिव प्रीफिक्स भी है और डेप्रिवेटिव प्रीफिक्स भी है। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी आप मेरे पिछले वीडियोस में ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव प्रीफिक्स में डिस का मतलब नॉट। तो कहां कहां डिस का मतलब नॉट है, आज हम लगभग 50 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे जहां डिस का मतलब नॉट। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, डिसेबल, डिसेबिलिटी, डिसकॉर्ड, डिसएडवांटेज। आइए इनके मीनिंग देखते हैं। ये सारे जितने वर्ड्स लिखे हैं हर एक में डिस का मीनिंग नॉट है, नहीं। तो एबल का मतलब योग्य, डिसेबल का मतलब अयोग्य, एबिलिटी का मतलब योग्यता, डिसेबिलिटी का मतलब अयोग्यता, अकॉर्ड का मतलब सहमति, किसी चीज को लेकर समझौता, सहमति होना, और डिसअकॉर्ड का मतलब मतभेद, मतभेद। एडवांटेज का मतलब लाभ और डिसएडवांटेज का मतलब हानि। एडवांटेजियस का मतलब लाभ से भरा हुआ, अस का मतलब फुल ऑफ, तो एडवांटेजियस मींस लाभप्रद, और डिसएडवांटेजियस है ना, हानिकारक। ठीक,
अग्री का मतलब सहमत होना, डिसअग्री का मतलब असहमत होना। अग्रीएबल का मतलब जिसके, एबल का मतलब योग्य, जो सहमत होने योग्य है उसको कहते हैं अग्रीएबल, और डिसएग्रीएबल जो सहमत होने के योग्य नहीं है। अग्रीमेंट का मतलब सहमति, एक करार जिसको हम कहते हैं, और डिसएग्रीमेंट मतभेद, ठीक, जहां हम किसी से सहमत नहीं होते। अलाउ का मतलब कोई काम करने की अनुमति देना, और डिसअलाउ का मतलब मना करना किसी काम को करने के लिए, किसी को परमिशन ना देना। इसके बाद देखेंगे अप्रूव, किसी के लिए हां भरना किसी चीज के लिए, और डिसअप्रूव का मतलब किसी चीज को नकारना, कहना कि यह चीज ठीक नहीं है। और अप्रूवल है, अप्रूवल भी उसी से बना है, और डिसअप्रूवल है ना, किसी को डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूवल। डिजास्टर, डिस का मतलब नॉट, एस्टर का मतलब स्टार। आप देखेंगे हमारे यहां एस्ट्रोलॉजी है, ठीक, एस्ट्रोलॉजी से वो एक जन्म पत्री बनाते हैं जिससे वो आपके बारे में सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो ये हम नहीं, अंग्रेज भी मानते थे कि जब स्टार हमारे फेवर में नहीं होते तो डिजास्टर होता है, यानी कि विपत्ति आती है, ठीक। और डिजास्ट्रस, विपत्ति जनक, ठीक, डिजास्टर का मतलब विपत्ति, डिजास्ट्रस का मतलब विपत्ति जनक या विपत्ति से भरा हुआ, विपत्ति है ना से भरा हुआ। बिलीफ का मतलब विश्वास, डिसबिलीफ का मतलब अविश्वास। बिलीफ जो है हमेशा एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, और बिलीव विश्वास करना, और डिसबिलीव अविश्वास करना। तो डिस का मतलब आप देखेंगे हर एक वर्ल्ड के अंदर डिस का मतलब नॉट, नहीं, डिसबिलीव अविश्वास करना। कलर और डिसकलर, डिसकलर मतलब किसी का रूप रंग बिगाड़ देना, डिसकलर करना। कंफर्ट का मतलब आराम, आरामदायक स्थिति, कंफर्टेबल उसी से बना है। और डिसकंफर्ट का मतलब जब हमें आराम नहीं होता है। डिसकॉल्ड, डिस का मतलब नॉट, कॉल्ड का मतलब हार्ट। जब किसी से दिल नहीं मिलता है तो डिसकॉल्ड होता है, यानी कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा कह सकते हैं आप, डिसकॉल्ड है, मनमुटाव जिसको हम कहते हैं। डिसकर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है विनम्र। विनम्र है ना, कर्टियस। और डिस का मतलब नॉट, जब हम बदतमीजी से बात करते हैं या हमें जो प्रोटोकॉल है, जैसे बात करना चाहिए, जैसे काम करना चाहिए, जैसे किसी से जब हम व्यवहार करते हैं अगर प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं डिसकर्टियस। अगला वर्ड है हमारा डिजीज। ये डिस मतलब नॉट और ईज का मतलब आसानी। तो जब कोई किसी आदमी को डिजीज होता है, कोई ना कोई बीमारी होना, बीमार, बीमारी होना, डिजीज, नॉट बीइंग एट ईज। डिसग्रेस है अनुशासित होना, ग्रेसफुल है ना, देखने में अच्छा, ग्रेसफुल लगना। तो नॉट हैविंग ग्रेस, डिसग्रेसफुल। फुल का मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ। डिसहार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्यता है, सामंजस्यता, सामंजस है। और डिस का मतलब नॉट,
जब सामंजस्यता नहीं हो, सामंजस्य नहीं होता। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और डिस का मतलब नॉट। कोई आदमी जब ईमानदार नहीं होता तो उसको हम कहते हैं डिसऑनेस्ट, बेईमान। डिसऑनेस्टी, बेईमानी है। वाई का मतलब इंक्लाइंड टू, झुकाव है उसका किसकी तरफ, बेईमान की तरफ, बेईमान बनने की तरफ। तो दिस इज डिसऑनेस्टी। डिस का मतलब नॉट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, वाई का मतलब इंक्लाइंड टू। डिसऑनर, ऑनर का मतलब इज्जत, डिस का मतलब नॉट, जब इज्जत ना होना है, बेइज्जती। और डिसऑनरेबल, जो इस योग्य है कि उसकी बेइज्जती की जा सके। तो ये डिस ऑनर और एबल से मिलकर बना है। डिसलाइक, लाइक का मतलब पसंद करना, डिस का मतलब नॉट, ना पसंद करना, किसी को पसंद ना करना, डिसलाइक। लॉयल, लॉयल का मतलब होता है फेथफुल, और डिसलॉयल का मतलब फेथफुल ना होना। ठीक है, इसका नाउन फॉर्म है डिसलॉयल्टी। टी वाई का मतलब स्टेट एंड कंडीशन ऑफ, वो स्थिति, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ बीइंग डिसलॉयल। ओबे का मतलब ओबे, कहना मानना। डिसओबे का मतलब कहना ना मानना। ओबीडियंट, जो कहना मानता है, और डिसओबीडियंट, जो कहना नहीं मानता। ऑर्डर का मतलब सब कुछ व्यवस्था, व्यवस्थित है, ऑर्डर में है। ठीक, और डिसऑर्डर का मतलब जहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। डिस्पैरेज, मैंने यहां पर प्लस का निशान ऊपर लगाया है, क्योंकि ये डिस पार और एजीई हमारा एक सफिक्स है। पार पार पार, तीनों में पार है। पार का मतलब इक्वल, बराबर। डिस्पैरेज, किसी को अपने बराबर ना समझना। ठीक है, छोटा समझना। डिस्पैरेजमेंट इसका नाउन है। और डिस्पैरिटी, ITY का मतलब वही है, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इक्वल। जैसे हम कहते हैं देयर इज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम का मतलब वहां पर जो उनको इनकम है, हैं, जो सैलरी मिलती है, वो बराबर नहीं है। गोरों के लिए अलग है, कालों के लिए अलग है, ऐसा। या कहीं भी और वजह भी हो सकती है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, यानी कि बराबर नहीं है। पार का मतलब इक्वल। सिमिलर, डिससिमिलर मतलब वही है जो डिस्पैरिटी है, ये इसका सिनोनिम है। सिमिलर का मतलब सेम, एक जैसा। डिससिमिलर का मतलब एक जैसा नहीं है। प्लीज का मतलब खुश करना, और डिसप्लीज का मतलब नाराज करना। प्लेजर का मतलब खुशी, आनंद, और डिसप्लेजर का मतलब जब खुशी और आनंद नहीं होता, नाराजगी होती है। अगला वर्ड है हमारा डिस्प्यूट। डिस का मतलब नॉट, प्यूट का मतलब थिंक। जब हम एक जैसा नहीं सोचते हैं तो डिस्प्यूट होता है। आप देखेंगे मैंने एक वर्ड और डिस्कस किया था, डिस्कॉर्ड। जैसे कई बार भाई बहन में डिस्कॉर्ड हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, वो सालों साल एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। कॉर्ड का मतलब वैसे हार्ट होता है, जब दिल नहीं मिलता किसी से। और डिस्प्यूट का मतलब होता है जब हम एक जैसा नहीं सोचते हैं। अगर दो भाइयों में डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, डिस्प्यूट है, झगड़ा है। लेकिन ये झगड़ा न्यायालय में, कोर्ट में ये सुलझाया जा सकता है, जहां जज दोनों की बात सुनता है तो उसका हल निकल आता है। तो डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में सुलझ सकते हैं। लेकिन डिस्कॉर्ड सुलझता है तो सुलझता है, और कई बार नहीं सुलझता तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, आदमी मर खप जाते हैं, लेकिन वो आपस में बात नहीं करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिस्कॉर्ड। ठीक,
डिस्प्यूटेबल, जिसके ऊपर मतभेद हो सके। क्वाइट का मतलब शांत और डिसक्वाइट का मतलब अशांत। रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत और डिसरेस्पेक्ट का मतलब है ना बेइज्जती, ये जहां इज्जत नहीं है। रेस्पेक्टफुल मतलब इज्जत से भरा हुआ और डिसरेस्पेक्टफुल बेइज्जती से भरा हुआ। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना या होना, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट होना। सेटिस्फैक्शन इसका नाउन है। डिसेंट, डिस का मतलब नॉट और सेंट का मतलब फील, महसूस करना। डिसेंट तो ये भी किसी के प्रति अगर हम डिसेंटफुल हैं ठीक, तो हम उसके जैसा फील नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी से हमारा, देखिए तीनों वर्ड एक जैसे हैं, जब हम एक जैसा नहीं सोचते हैं तो डिस्प्यूट है, जब हम हमारा दिल किसी से नहीं मिलता तो डिस्कॉर्ड है, और जब हम एक जैसा महसूस नहीं करते हैं ठीक, तो वो डिसेंट है। डिसटेस्ट, टेस्ट का मतलब स्वाद और डिस का मतलब नॉट। जब स्वाद फुल, स्वाद वाली कोई चीज नहीं है तो वो डिसटेस्ट है, और डिसटेस्टफुल अस्वाद से भरा हुआ। डिस का मतलब नॉट, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, किसी के ऊपर विश्वास ना करने को हम कहते हैं डिसट्रस्ट, और डिस्ट्रस्टफुल इसी से बना है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे बुक के अंदर दिए गए हैं। दिस, जहां पर दिस एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स के तौर पर काम करता है, ये कुछ वर्ड्स हैं। बाकी के वर्ड्स के लिए आप मेरी इस बुक इंग्लिश वर्ल्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स खरीद सकते हैं। ये बुक Amazon और Flipkart पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।